आज हम बात करेंगे पाइल्स में, फिशर में आप जो ट्यूब लगाते हैं उसे कैसे लगाया जाए, उसका लगाने का सही तरीका क्या है। जब भी आप कोई ऑइंटमेंट खरीदते हैं पाइल्स या फिशर में लगाने के लिए, तो खूब सारे उसके अंदर एप्लीकेटर्स आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऐसा या इस टाइप का एप्लीकेटर आता है। इन्हें कब यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, जैसे सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ इस वाले एप्लीकेटर की। इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हार्ड है, ऊपर से हार्ड होने के कारण जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो इससे कभी कभी गुदा मार्ग बहुत ही एक नाजुक सा मार्ग है, तो जब इसके अंदर आप जाता है तो कभी कभी ये छिल देता है। छिलने से फिशर आपको डेवलप हो सकता है, या इवन एक्यूट फिशर है तो वो क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है, और पाइल्स अगर आपके हैं तो उसमें हो सकता है नया फिशर बन जाए, कुछ छिल जाए। उसके बाद आता है इस टाइप का एप्लीकेटर जो आप देख रहे हैं ऐसा। ये एप्लीकेटर फिर उस एप्लीकेटर से बेटर है जो आपने देखा, जैसे कि ये था, क्योंकि ये सॉफ्ट है, मुलायम है और ये इजीली अंदर जा सकता है। जब भी आप कोई ऐसा एप्लीकेटर यूज़ में लेते हैं तो आप उसको देखें या जज करिए कि आपको ऐसा तो नहीं कहीं वो अड़चन कर रहा है या वो छिल रहा है आपके गुदा मार्ग को। उसके बाद एप्लीकेटर आता है ऐसा, इससे भी अगर आप अंदर पुश करते हैं तो इससे भी कभी कभी गुदा मार्ग छिल सकता है। तो हम प्रेफर करते हैं या तो वैसे ऐसा, या तो आप ऐसा डायलेटर लें जिसे इस प्रकार के छोटे डायलेटर्स आते हैं जिसके अंदर आपने ऑइंटमेंट लगाया, धीरे धीरे आपने पुश किया और अंदर आपने अप्लाई कर लिया, या फिर आप ऐसा सॉफ्ट टाइप का डायलेटर काम में ले सकते हैं। और इन दोनों से बेटर है आप फिंगर पे ऑइंटमेंट लें थोड़ी सी और उसे फिंगर से अंदर तक अप्लाई करें। ऑलमोस्ट इतनी फिंगर आपके अंदर जानी चाहिए, कोई भी ऑइंटमेंट आप अप्लाई करते हैं तो उस ऑइंटमेंट का, उस दवाई का अच्छा इफेक्ट आ सकता है। तो यही सही तरीका है आपके ऑइंटमेंट को अप्लाई करने का। अवॉइड करिए कोई भी इस प्रकार का हार्ड डिवाइस नहीं हो जो आपके अंदर के एरिया को ट्रॉमेटाइज कर दे। ठीक दोस्तों, आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो इसको लेकर या कोई शंकाएं हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Subscribe to the YouTube channel.